नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। बाइक कंपेरोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मुर्तुजा। आज मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल एनफील्ड की लाजवाब नई ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल इंटरसेप्टर की 650 की खूबियां क्या है। इंटरसेप्टर के दोष, उसके ऐब और उसकी खामियां दिखाने वाला वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। लेकिन 10 लाख रुपए वाली कीमत ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन से काफी हद तक मिलती जुलती इंटरसेप्टर उससे 7 लाख रुपए सस्ती कैसे है? कैसे एनफील्ड ने अचानक से उसके नई मोटरसाइकिल्स के मुकाबले कई गुना श्रेष्ठ मोटरसाइकिल बना ली? नए दौर की युवा राइडर्स की जरूरत को बिल्कुल सही तरीके से एनफील्ड ने कैसे जांच ली? ये सारी जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए बाइक कंपेरोस का इंटरसेप्टर 650 की 10 खूबियों वाला वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियोस का तुरंत अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए दोस्तों। सबसे पहले शुरू करेंगे कीमत से। 6 लाख रुपए के नीचे हमारे मार्केट में कोई भी उत्पादक 600 सीसी का इंजन नहीं देता। 3.5 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत से नीचे कोई भी ट्विन सिलेंडर इंजन नहीं देता। हार्ली ने अपनी स्ट्रीट 750, जो हर पहलू में इंटरसेप्टर से साफ साफ घटिया बाइक है, वो 7 लाख रुपए ऑन रोड में बेचता है। और ट्रायम्फ, जो इंटरसेप्टर से मिलती जुलती रेट्रो पैरेलल ट्विन, सिर्फ 7 HP ज्यादा पावर वाली स्ट्रीट ट्विन बेचता है 10 लाख रुपए ऑन रोड में। लेकिन RE650 ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल आज 3 लाख रुपए में ऑन रोड दे रहा है। बजाज, TVS, हीरो जैसे उत्पादक एनफील्ड से आधी कीमत में मोटरसाइकिल तो बना सकते हैं, लेकिन आज इस वक्त ना वो कोई ट्विन सिलेंडर बाइक बेच रहे और ना ही 380 सीसी से ज्यादा वाली। शायद इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो हाजिर वो वजीर। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधुनिक इंजन और गेयरबॉक्स की। एनफील्ड ने पिछले 5-7 साल में इंजन बनाने में दो बड़ी गलतियां की है। पहली गलती थी कि 2014 में कॉन्टिनेंटल GT में नया इंजन डालने की बजाय पुराने पुश रॉड इंजन को ठोक पीट के थोड़ा सा बड़ा और शक्तिशाली बना के प्रयास किया, जो बुरी तरह से फंस गया। उस पुराने पुश रॉड इंजन के दिन भर गए थे। दूसरी गलती की कि हिमालय के लिए नया इंजन तो बना लिया, लेकिन उसका टिकाऊपन पक्का करने से पहले गाड़ी लॉन्च कर दी। इन दोनों गलतियों से सीख के इस बार एनफील्ड ने ज्यादा मेहनत, खर्च और समय लेकर बाकी सारी एनफील्ड से कई आधुनिक इंजन बनाया। उसमें ओवरहेड कैम्स है, ना कि पुश रॉड, फ्यूल इंजेक्शन है, 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर है, ऑयल कूलर है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्विन पैरेलल का लेआउट, जिसका हर एनफील्ड आशिक को सदियों से इंतजार था। तो दोस्तों, आइए थोड़ी बात करेंगे स्मूथनेस की। ट्विन सिलेंडर लेआउट की वजह से वाइब्रेशन की अधिकतर समस्या तो मिट गई है, क्योंकि एक बड़े पिस्टन की बजाय 2 छोटे पिस्टन लग जाते हैं और वो एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। ऊपर से ओवरहेड कैम्स अन्य पुश रॉड एनफील्ड जितनी टिक टिक आवाज भी नहीं करते। लेकिन एनफील्ड इतने पे नहीं रुका, उसने इंजन में काउंटर बैलेंसर भी डाल दिया, जिससे बची कुची वाइब्रेशन भी काबू में आ गई। नतीजा ये कि बाकी सारी खड़खड़ करने वाली एनफील्ड से बिल्कुल विपरीत चलती है उनकी 650। जहां बाकी एनफील्ड 3000 RPM पे रो देती है, वहां इंटरसेप्टर 7000 RPM तक प्यार से चलती है। बस आखिरी 1000 RPM पे इंजन थोड़ा खर्चरा लगता है, जिसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उस RPM तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्मूथनेस के साथ एनफील्ड की अनोखी आवाज तो नहीं चली गई। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके सबसे पसंदीदा मुद्दे, आवाज के ऊपर। खेत की बात यह है दोस्तों कि वह थप 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 वाली आवाज तो आपको इस इंजन में नहीं मिलती। लेकिन घबराए नहीं, असल में तो ये खुशखबरी है, क्योंकि नई ट्विन सिलेंडर की आवाज थप 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 आवाज से कई गुना बेहतर है। बाइक चलाते वक्त यह आवाज सुन के चालक को जो संतुष्टि मिलती है, उसके लिए हमारे पास कोई लफ्ज नहीं। कई जानी मानी लाखों रुपए महंगी इंपोर्टेड मोटरसाइकिल की आवाज भी हमें इतनी मीठी नहीं लगती, इस बात में कोई संदेह नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पिकअप की। एनफील्ड की बाकी बाइक्स बड़ी जोरों से चलती है, लेकिन पिकअप के मामले में 150 सीसी बाइक्स को पीछे नहीं रख पाती। लेकिन इंटरसेप्टर की बात अलग है। 7 सेकंड के अंदर वो 100 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच जाती है और वी बॉक्स सैटेलाइट इक्विपमेंट में 168 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है। इसका मतलब वह ड्यूक 390, यामाहा R3 और निंजा 300 से बस थोड़ी सी पीछे है, और BMW G310R, अपाचे RR310 और डोमिनोर चलाने वालों को इंटरसेप्टर से आगे निकलना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से इंटरसेप्टर अपना 80% टॉर्क, यानी कि अच्छा खासा 42 Nm का टॉर्क 2500 RPM से देना शुरू कर देती है, इसलिए उसे ट्रैफिक में चलाना, ओवरटेक करना बहुत आसान है। बात करेंगे सीधी राइडिंग पोजीशन की।
हमारे मार्केट में एक अजीब समस्या यह है कि अधिकतर उत्पादक मोटरसाइकिल की सीसी और पावर बढ़ाने के साथ बाइक की राइडिंग पोजीशन को नीचे झुकाते हैं, फुट पैक्स पीछे चले जाते हैं और हैंडल नीचे। इससे दिक्कत ये होती है कि 40 साल के जवान बुड्ढों के पीठ दर्द को उनकी निकली हुई तोंद को माफ करने वाली ताकतवर बाइक्स ना के बराबर है। 1.25 लाख के ऊपर की सारी बाइक्स, फिर वो चाहे R15 हो, FZ25, ड्यूक्स, RR310, G310R, निंजा, R3, यहां तक कि मोजो और डोमिनोर की राइडिंग पोजीशन आगे झुकी हुई है। सिर्फ एनफील्ड के बाइक्स की सीटिंग पोजीशन सीधी है। शायद यही एनफील्ड की सफलता का राज है। कम से कम ये एनफील्ड की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण तो जरूर है। और यही सीधी राइडिंग पोजीशन इंटरसेप्टर में भी अपनाई गई है। बस सीट फोम थोड़ा गाढ़ा रहता तो लंबी सैर पर पिछवाड़ा इतना दर्द नहीं करता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं स्टाइल के बारे में। सिर्फ सीटिंग पोजीशन ही नहीं, लेकिन उन 40 साल के जवान बूढ़ों को पसंद आएंगे ऐसे लुक्स भी बहुत कम बाइक देती है। बाइक पे 2-3 लाख खर्च करने की काबिलियत उसी उम्र के लोगों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। 20-25 साल के कितने रेसर लड़कों के पास ये बाइक खरीदने का पैसा है? 10% भी नहीं। इन अधेड़ अवस्था में फंसे हुए लोगों को प्लास्टिक फाइबर बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग गाड़ी का हर पैनल ठोक बजाकर लोहे का बना है कि नहीं ये देखते हैं। आज से 20 साल पहले उनकी जवानी में जैसी बाइक सड़क पे दिखती थी, वैसी बाइक खरीदने का अधूरा ख्वाब ये लोग 20 साल से मन में दबा कर रखे हुए हैं। इंटरसेप्टर बिल्कुल वैसी ही बनाई गई है। कम से कम प्लास्टिक, ज्यादा ज्यादा लोहा और थोड़ा बहुत क्रोम। दोस्तों बात करेंगे इंटरसेप्टर के सादगी के बारे में। और सादगी सिर्फ स्टाइल में नहीं, बल्कि इंटरसेप्टर के हर पुर्जे में वो दिखाई देती है। हेडलैम्प आज भी फ्रेस्नेल टाइप की लेंस के पीछे छुपा है। ना कोई HID, ना प्रोजेक्टर, ना LED, यहाँ तक के क्लियर लेंस भी नहीं। टेल लैम्प इंडिकेटर भी बल्ब टाइप के है। स्पीडोमीटर डिजिटल नहीं है, टैको भी एनालॉग है। शुक्र है कम से कम फ्यूल गेज तो दिया हुआ है, वरना क्लासिक में तो एनफील्ड फ्यूल गेज भी नहीं देता। टायर्स ट्यूबलेस नहीं है, क्योंकि फिर महंगे स्पोक्ड व्हील लगाने पड़ते। इंजन में भी लिक्विड कूलिंग का खर्चा बचा लिया गया है। ग्रैब रेल भी अलॉय का नहीं है, बस लोहे के पाइप को मोड़ के बनाया है। हैंडल बार भी क्लिप ऑन नहीं है। फ्रंट फोर्क्स USD नहीं है और पीछे मोनोशॉक नहीं है। फ्यूल फ्लैप भी एयरक्राफ्ट टाइप में नहीं लगाया। इन सारी काटछाट के दो फायदे हैं दोस्तों। पहला ये कि 3 लाख की ऑन रोड प्राइस के बावजूद एनफील्ड हर बाइक पे अच्छा खासा 30% का मुनाफा कमा रहा है। दूसरा ये कि इन सारी टेक्नोलॉजी को बिना किसी बिगाड़ के चलाना पड़ता है, जिसमें रॉयल एनफील्ड पहले से ही बहुत कमजोर है। तो दोस्तों सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण खूबी है क्वालिटी। तो कुल मिलाकर एनफील्ड की अन्य सारी बाइक के मुकाबले गुणवत्ता में इंटरसेप्टर कई श्रेष्ठ है। 2 दिन और लगभग 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी कोई पुर्जे ढीले नहीं पाए गए। कोई खड़खड़ आवाज नहीं, सारे इलेक्ट्रिकल सही सलामत थे, इंजन की स्मूथनेस बरकरार और किसी भी छेद से ऑयल लीकेज नहीं हुआ। लेकिन वैसे तो इतने कम समय में टिकाऊपन का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। हिमालयन और कॉन्टी GT में आए बिगाड़ देखते हुए आज भी किसी ग्राहक को इंटरसेप्टर की सिफारिश करने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि एनफील्ड की दूसरी कोई बाइक भी खरीदने की बजाय इंटरसेप्टर ही खरीदना चाहिए। दोस्तों वक्त है आपसे विदा लेने का। अगर आपको बाकी बाइक की खूबियां, उनके गुण, उनके फायदे और उनके विशेषताएं देखने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल का ये आपका ये दोस्त आपसे विदा लेता है। अगली बार जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों कुछ नई गाड़ियों की खूबियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय दोस्तों। आप देख रहे हैं बाइक कंपेरोज़।